हिट एंड रन के नए नियमों को लेकर हड़ताल पर उतरे ट्रक बस ऑटो ड्राइवरों की वजह से शहर की व्यवस्था बदहाल हो चुकी है, जिसके चलते दूर दराज से लंबी दूरी तय कर के सतना शहर पहुंचे यात्रियों को वाहन ही नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके चलते कुछ यात्रियों ने स्टेशन में ही अपना डेरा डाल लिया है और वहीं कुछ यात्री पैदल ही अपना सफर शुरू कर सैकड़ों किलोमीटर का फासला तय करने को मजबूर हैं। आलम यह है कि विंध्य का द्वार कहे जाने वाले सतना से रोजाना 4,000 से भी अधिक बसों का आना जाना होता है, जहाँ 2400 घंटे चहल पहल बनी रहती थी, वहाँ 2 दिन से सिर्फ निराश यात्री बस खुलने का इंतजार करते बैठे हैं और एक भी बस ड्राइवर बसों को सड़कों पर नहीं उतार रहे हैं। ड्राइवरों का कहना है कि जब तक वह हिट एंड रन केस को सरकार वापस नहीं लेगी, तब तक हम बसों को दोबारा संचालित नहीं करेंगे। तो फिलहाल जो हिट एंड रन केस के संबंध में जो विल आया है उसको विरोध में लेकर जो सतना की ड्राइवर यूनियन है वो स्ट्राइक पर है और कल से ही सारे गाड़ियों के पहिए थम से गए हैं। पेट्रोल पंप की भी स्थितियां गड़बड़ हैं, जो हम अभी जाकर आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले हम ड्राइवरों से बात करते हैं कि आखिरकार उनकी समस्याएँ क्या है और वो क्या चाहते हैं, किन मांगों को लेकर वो सड़कों पर उतरे हैं और कब से गाड़ियों का संचालन होगा। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार श्रीवास्तव। क्या समस्याएं आ रही मनोज जी, और इस जो कानून को लेकर, जो अभी एक नया कानून आया है, इसको लेकर क्या समस्याएं हैं? इस कानून को लेकर ये समस्या आ रही कि हम गरीब लोग हैं, हम लोग मजदूरी करते हैं, अगर हम लोग 10 साल जेल में रह गए और उसके बाद हम 7 लाख रुपया कहां से पाएंगे, हम अपना घर भी बेच डालेंगे तो भी 7 लाख का नहीं होगा। 3 साल का बच्चा पैदा हुआ, 10 साल बाद बाप को नहीं पहचानेगा कि मेरा बाप 10 साल बाद जेल से आया तो है यही है मेरा बाप कि दूसरा है। लेकिन जिस तरीके से एक्सीडेंट के मामले बढ़ रहे हैं तो इस जी मामले हमारे वजह से नहीं बढ़ रहे, आप भी जा रहे हैं, आप गिर गए, वाहन चढ़ गया, तो उसमें हमारी गलती थोड़ी है। आप दारू पी के जा रहे हैं, दूसरा कोई चढ़ गया। सुनो जी, गाड़ी का जो ड्राइवर होता है वो बर हमेशा एक चींटी को बचाने के चक्कर में अपनी गाड़ी रास्ते में नाली में गिरा देता है, के उसमें कोई जानवर को नहीं मारता तो इंसान को क्या मारेगा। एक इस पे एक कॉलम ये भी है कि जैसे अगर मान के चलिए एक्सीडेंट होता है और आप उस व्यक्ति को हॉस्पिटल तक पहुंचा देते हैं तो इसमें सजा का कम प्रावधान भी है। नहीं चाहिए, पब्लिक हमको पहले मार डालेगी, सजा का प्रावधान समझ गए। अगर हम उठाने के चक्कर में रहेंगे तो ड्राइवर को पहले पब्लिक मार डालेगी, तो ड्राइवर को कौन उठाएगा? उसका जिम्मेदार कौन है कि अगर हम पीसी मदद करने जा रहे हैं और उधर पब्लिक हमको मार डाली या कुछ भी होगा हमारे साथ, उसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? आप लोगों की क्या सरकार से मांगे हैं इस कानून? हमारी सरकार ये मांगे कि वो अपना कानून वापस लें, अपना कानून वापस लें, हम अपने अपने काम पे जाएं। जो पहले लागू था वही रहना चाहिए, नया लागू नहीं होना चाहिए। कानून वापस ले सरकार, और जो कानून पहले चल रहा था वही कानून होना चाहिए, जब तक हमारी मांग पूर्ण नहीं होगी। तो ये हमारे साथ सतना जो बस एसोसिएशन की यहाँ पे जो ड्राइवर यूनियन है उनका ये कहना है कि जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाता है तब तक बस के पहिए थमे रहेंगे या कोई भी जो ट्रांसपोर्टर ट्रांसपोर्टिंग संबंधी जितने भी वाहन हैं उन्हें सबको रोक लिया गया है, इनके द्वारा हिदायत भी दी गई है और इनकी सबकी एक मिलीजुली एक प्रतिक्रिया है कि जल्द से जल्द इस कानून को वापस ले, तभी है कि हम दोबारा अपने काम पर लौटेंगे, अन्यथा हम इस हड़ताल को जारी रखेंगे। गोविंद सिंह है। कहाँ जाना है गोविंद जी का? हमें जाना है अमानगंज जी। कितना दूर होगा यहाँ से? यहाँ से 90 किलोमीटर है जी। और कल से हम यहाँ पड़े हुए हैं, ना कोई सुविधा है ना कोई व्यवस्था है जी। प्लस हमारे पास कोई आने जाने की सुविधा नहीं है और बाकी बस वाले सब स्ट्राइक किए हुए हैं, तो कोई समाधान है नहीं है यहाँ पे। हम हैं, हमारे बीवी बच्चे हैं यहाँ, 4 फैमिली हैं, और ना कोई साधन मिल रहा है, तो इसका जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए। तो आप देख पा रहे हैं कि ना सिर्फ ये स्ट्राइक से ड्राइवर सड़क पे हैं बल्कि जनता भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और मेरे साथ ये 90 किलोमीटर दूर यहाँ से एक अमानगंज जगह पड़ती है, इनके साथ इनकी पूरी फैमिली है, लेकिन जाने के लिए कोई साधन नहीं है। शहर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से स्टूडेंट पैदल ही कॉलेज और स्कूल जाने को मजबूर हैं, क्योंकि अधिकतर कॉलेज में एग्ज़ाम चल रहे हैं, ऐसे में स्टूडेंट्स को पैदल ही एग्ज़ाम सेंटर जाना पड़ रहा है। कॉलेज स्टूडेंट प्रतीक्षा ने बताया कि उनका कॉलेज उनके घर से 6 किलोमीटर दूर है, मजबूरन वह पैदल ही एग्ज़ाम देने के लिए कॉलेज पहुंची और अब वापस घर लौट रही हैं। क्या नाम है आपका? प्रतीक्षा सिंह परिहार। कहाँ जा रही हैं प्रतीक्षा आप? हम अब अपने घर जा रहे हैं जी।
तो ऑटो रिक्शा नहीं मिल रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा है, हम पैदल ही जा रहे हैं। कितने किलोमीटर है आपका घर यहाँ से? आपका घर 6 से 7 किलोमीटर है मेरे यहाँ से। जी, तो पैदल ही आप सफर करें? क्या करें, पैदल ही जाना पड़ेगा, एग्जाम था, एग्जाम से आए, कुछ मिल नहीं रहा है। सतना का रेलवे स्टेशन विंध्य के व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है, जहां प्रतिदिन औसतन 20,000 से भी अधिक की संख्या में यात्री आना जाना करते हैं। मुंबई, गुजरात, इंदौर जैसे बड़े शहरों से दूर दराज से काम कर वापस लौटने वाले मजदूर और अन्य यात्री पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करने में मजबूर हैं। अरे भैया, मैं अहमदाबाद से आया, अभी बाहर से काम घूस करके आया, लेकिन यहाँ पे वाहन ही नहीं चल रहा है, बड़ी दिक्कत है यहाँ, कैसे जाए अब हमको जाना, नगौद है, कैसे जाए, लेकिन कोई वाहन ही नहीं है ना। तो अब पैदल ही आप लोग जा रहे हैं? पैदल ही जाएंगे, क्या करेंगे फिर। मैं अभी दिल्ली से आ रहा हूँ और मुझे सफर में बहुत दिक्कत गई, मैं क्या बोलते हैं, ट्रेन भी काफ़ी लेट थी और यहाँ पे आने के बाद वाहन ना मिलने के कारण मेरे को नहीं, बाकी सब लोगों को काफ़ी समस्याएं जा रही हैं। इस पर सरकार को जल्द से जल्द ध्यान देना चाहिए और जो सॉल्यूशन है इसका तुरंत निकाले।